भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज जारी है। पहले दो मुकाबले चेन्नई में हुए और अब आखिरी दो मुकाबले अहमदाबाद में होने हैं। 24 फरवरी से सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला एक डे नाइट मुकाबला होगा। भारतीय सरजमी पर यह सिर्फ दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत में पहला डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में नवंबर 2019 में खेला गया था। ये मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ और उम्मीद के हिसाब से ये मुकाबला मात्र 3 दिनों में खत्म हुआ, जहां फास्ट बॉलर्स ने 19 विकेट लिए। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच इस मुकाबले में भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि वो डे नाइट टेस्ट में एक घास भरी पिच पर इंग्लैंड के शानदार पेस अटैक, जो जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर जैसे शानदार गेंदबाजों से भरा है, उसके खिलाफ खेले। होम कंडीशंस में यह खिलाड़ी आमतौर पर ऐसी ही घास भरी पिच पर खेलते हैं और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के पास भी ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह जैसे शानदार तेज गेंदबाजों से सजा हुआ एक पेस अटैक है। इतिहास गवाह है कि डे नाइट क्रिकेट में आमतौर पर फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स की तुलना में बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल दो ही ऐसे मुकाबले हैं जहां पर स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। ये दोनों मुकाबले दुबई में हुए थे, जहां फास्ट बॉलर्स को 25 तो स्पिनर्स को 46 विकेट मिले थे। 2016 और 2017 में हुए उन दोनों मुकाबलों में स्पिनर्स ने फास्ट बॉलर्स की तुलना में बेहतर परफॉर्म किया था। दुबई में होने वाले ये दोनों डे नाइट टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाकर खत्म हुए थे। ऐसे में पूरी संभावना है कि भारत भी इस डे नाइट मुकाबले के लिए यूएई मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी भारतीय स्पिनर इस वक्त शानदार फॉर्म में है, फिर चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, अक्षर पटेल हो या फिर कुलदीप यादव। कुछ डे नाइट टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म होने के कारण ये धारणा बन रही है कि पिंक बॉल टेस्ट ज्यादा लंबा नहीं खींचते, जबकि फैक्ट्स कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। अब तक दुनिया भर में जो 15 डे नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं, उनमें से 9 टेस्ट मैच 4 या उससे ज्यादा दिन चले हैं। इनमें से 5 टेस्ट 5वें दिन तक जाकर खत्म हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि मोटेरा में होने वाला ये डे नाइट मुकाबला कितने दिनों तक चलता है और इसमें तेज गेंदबाज या स्पिनरों में किसका बोलबाला होता है। कैसे लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।